शहर के शंकरघाट में समाज सेवा के नाम पर हो रही अवैध वसूली। निजी व्यक्ति के द्वारा तैनात किए गए दो कथित व्यक्तियों के द्वारा वाहन पार्किंग के नाम पर की जा रही है वसूली। भरवेली थाना के अंतर्गत आलेझरी निवासी महेश मरकाम उम्र 32 वर्ष का 3 दिन बाद जरेरा के जवाई टोला में मिला शव। पुलिस ने शुरू की जांच। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सीएम राइज स्कूल खोले जाने के पूर्व ही रविवार को शिक्षकों की आयोजित की गई परीक्षा। शहर में बनाए गए 4 केंद्रों में 1600 से अधिक शिक्षकों ने 2 पालियों में दी परीक्षा। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बनाई गई 4 टीम किए जा रहे हैं औचक निरीक्षण से स्कूलों की होने लगी है बेहतर व्यवस्था को देख जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में दिखाई दे रहे हैं खुशी। बारासुनी तहसील के लोगों ने की मांग, प्रदेश शासन सुधारे शिक्षा व्यवस्था, पूर्व की तरह 5वीं और 8वीं को करे बोर्ड, बेहतर हो शिक्षा प्रणाली। 29 नवंबर को शुरू होने वाली समर्थन मूल्य धान खरीदी से पहले ही सहकारी समिति के कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, लंबित मांगों के पूरे नहीं होने को बताई जानकारी। बालाघाट जनपद पंचायत के बाजू में खाली पड़ी जमीन पर फिर शुरू हुआ अवैध कब्जा। कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के लिए भेजा गया वरिष्ठ स्तर पर प्रस्ताव, नहीं आया अब तक कोई आदेश। जिले भर में महात्मा ज्योतिबा फुले की मनाई गई 121वीं जयंती, आयोजित किए गए विविध कार्यक्रम। जिला तैराकी संघ के द्वारा नगर के बजरंग घाट में आयोजित किया गया शपथ ग्रहण कार्यक्रम, उपस्थित रहे तैराकी संघ के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि। लालबरा से 6 किलोमीटर दूर बैनगंगा के तट पर बरसे बमनी। समनापुर के पोटियापाट घाट पर शुरू हुआ 15 दिवसीय कार्तिक पूर्णिमा मेला, रोजाना पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, उमड़ रही है भीड़। अखिल भारतीय विश्व गायत्री परिवार के द्वारा लालबरा में आयोजित की गई बैठक, 8 और 9 जनवरी को शांति कुंज हरिद्वार में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को लेकर बनाई गई रूपरेखा। लालबरा में कोटवार संघ ने आयोजित किया प्रांतीय सम्मेलन, उपस्थित रहे जन प्रतिनिधियों को बताई परेशानी। कोरोना संक्रमण महामारी के नए वेरिएंट के बाद मध्य प्रदेश शासन ने जारी किया सभी जिलों में अलर्ट जारी। नए आदेश में 50% उपस्थिति में लगेंगे सभी स्कूल। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बगदर्रा गांव में आयोजित किया गया मां नर्मदा मेला। मेले के दौरान प्रति वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी आयोजित की गई कुश्ती प्रतियोगिता। लालबरा में स्वर्गीय पंडित नंद किशोर शर्मा की स्मृति में आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 28 नवंबर को पहले दिन उपस्थित रहे बड़ी संख्या में स्थानीय जन और क्षेत्रवासी।